हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जो अपने सीरीज को सॉल्व कर रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, यानी पवन पब्लिकेशन की बिल्कुल क्रम से हम लोग सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे हैं। तो ये सीरीज आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है और पेपर में लगभग सारे क्वेश्चन आपको यहीं इसी क्लास से, अगर बिल्कुल यही क्वेश्चन दे रहे हैं बुक के तो यहीं से मिल जाएंगे, अगर डाटा चेंज कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट यहीं के रहने वाले हैं। तो वीडियो को आप एक बार अपने दोस्तों के संग शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो जब पसंद आएगी तब लाइक कर देना और आगे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करते रहना। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर प्रायिकता से लिया है, संभावनाएं जहाँ पर हमारी होती हैं। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, देन वन बाई वन करके सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो सिक्के हैं, उनको एक साथ 400 बार उछाला जाता है, दो सिक्कों को एक साथ 400 बार उछाला जाता है तो रिजल्ट क्या आता है? आता ये है कि दो बार चित आता है 90 बार, यानी दो बार चित आ रहा है 90 बार, एक बार चित आ रहा है 210 बार और कोई भी बार यानी एक भी बार चित नहीं आ रहा है 100 बार। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि प्रत्येक घटना का प्रतिशत ज्ञात करो, परसेंटेज बताना है कि दो बार चित कितने परसेंट आया है, एक बार चित कितने परसेंट आया है या कोई भी बार चित कितने परसेंट है, तो ये आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको ये देखना है, बात को मेरी जरा समझना, परसेंटेज का एक यूनिवर्सल फार्मूला होता है जिसका कोई तोड़ नहीं होता है, वो ये होता है कि सीधा सा फार्मूला मैंने आपको कई बार परसेंटेज पढ़ाया तो बताया भी, तुलना बटे नीचे हम लिखते हैं तुलनात्मक संख्या, ऊपर तुलना होती है नीचे हमारा होता है तुलनात्मक संख्या और गुणे हम कर देते हैं 100, बस यही परसेंटेज हमारा होता है, परसेंटेज का सिंगल फार्मूला। यहीं से आप अपने मार्क्स भी निकाल सकते हो परसेंटेज में, यहीं पे आप कुछ भी निकाल सकते हो इसी फार्मूले से। अब हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि दो बार चित आया है, तो दो बार चित का हम परसेंटेज निकालते हैं, दो बार चित का क्या निकालेंगे, प्रतिशत निकाल लेंगे। तो आप एक बात बताओ, तुलनात्मक संख्या भाई कंपेयर हमेशा आप टोटल नंबर से करोगे कि टोटल कितने नंबर बार आपने सिक्कों को उछाला है, तो कितने नंबर बार आपने सिक्कों को उछाला है, 400 बार, सिक्कों को कितने बार उछाला, 400 बार, यानी 400 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और दो बार चित आना कितनी बार आया, दो बार चित कितनी बार आया, तो आया है 90 बार, यानी 90 की तुलना हम कर रहे हैं तो ऊपर हो जाएगा तुलनात्मक संख्या, नीचे 400 हो गया। अब प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका परसेंटेज आ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो क्या हो गया, कैंसिल, चार से इसको काटेंगे तो चार दुनी कितना हो गया, 8, एक बचा 10, 4 × 8.25, यानी कि 22.5% क्या आया, दो बार चित, दो बार चित का परसेंटेज कितना है, 22.5%। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार कॉपी पेस्ट हमें सेकंड क्वेश्चन में करना है कि एक बार चित कितने परसेंट है, तो हम लिख लेते हैं कि जो एक बार हमारा चित आया है उसका अगर मैं परसेंटेज निकालूंगा तो आप देखोगे भाई टोटल तो 400 बार ही सिक्के उछाले गए हैं, संख्या तो 400 ही रहेगी, लेकिन इस बार कंपेयरिंग नंबर जो है, इस बार तुलना करने का नंबर बदल जाएगा, क्योंकि दो बार चित तो 90 बार आ रहा था लेकिन एक बार चित कितनी बार आ रहा है, 210 बार। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 210 इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ये दो जीरो से ये दो जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गए। जब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 5 = 20 हो गया, एक बचा 10 हो गया, 4 × 8, 4 × 5 = 20, यानी 52.5% क्या आया है, एक बार चित आ गया है। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट ऐसे लगाएंगे कि कोई भी चित नहीं आया है, इसका परसेंटेज निकालते हैं, तो हम लिखेंगे कि कोई भी चित का जो परसेंटेज है वो कैसे निकालेंगे, सीधे आपको पता है कि 400 तो नीचे रहेगा क्योंकि ये तो फिक्स है, सिक्के 400 बार उछाले गए हैं लेकिन 100 बार
कोई भी चित्र नहीं आया तो 100 को हम ऊपर लिख देंगे और इनटू क्या करा देंगे 100। अब देखो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 100 को 4 से भाग करोगे, 4 दुनी 8, 4 पंचे 20, 25%। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन समझ में आ गया? मैंने पूरा लिखा था क्वेश्चन ताकि आप क्वेश्चन की भाषा को समझ सकें। अगर दो बार चित का परसेंटेज पूछेगा तो 22.5%, एक बार चित का परसेंटेज पूछेगा तो 52.5%, कोई भी चित नहीं आया उसका परसेंटेज कितना है? 25% है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को। क्या ये बात आपकी समझ में आई है? सभी दोस्त एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या ये बात आपकी समझ में आई है कि नहीं आई। आ गई ना? एक और क्वेश्चन हम लेंगे यही संभावना से, क्योंकि ये जितने देखो सीक्वेंस में चल रहे हैं तो जो भी क्वेश्चन आएगा जिस भी चैप्टर का होगा उसको हम सॉल्व करेंगे, और इससे आपको ये फायदा होगा कि मिक्स क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाएगी, आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे और आप चीज़ों को और अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जरा इसकी बातों को समझना। ये प्रश्न कह रहा है कि दो सिक्कों को एक साथ 40 बार उछाला जा रहा है, एक साथ 40 बार उछाला गया तो देखा क्या गया? तो इसमें देखा ये गया कि चित और पट क्रमशः कैसे दिया गया है। अच्छा, पट चित भी है ना, एक बार और आप लिखना, पट और चित क्रमशः कितनी बार आया है? तो आया है 9, 8, 12 बार आया। तो आगे क्वेश्चन बताया कि बताइए पट पट कितनी बार आया। ये क्वेश्चन कह रहा है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी है तो आपको समझना पड़ेगा, अदरवाइज आप चीज़ें क्या करोगे, गलत कर दोगे। अब ये क्वेश्चन है, देखो चित और पट आ सकता है, चित आ सकता है, पट चित आ सकता है और पट आ सकता है। भाई देखो, जैसे आपने कोई सिक्का है, सपोज दैट कोई सिक्का, उसमें हेड होता है और उसमें टेल होता है। अब हिंदी में इसको चित और पट भी समझ सकते हो। तो अगर सिक्के को आप एक बार उछालोगे तो या तो हेड आ सकता है, दूसरी बार उछालोगे तो हेड और टेल आ सकता है, तीसरी बार उछालोगे तो टेल और हेड आ सकता है, चौथी बार उछालोगे तो टेल और टेल आ सकता है। इन चार पोजीशन के सिवा कुछ और तो बन नहीं सकता है। तो देखो यही क्वेश्चन में समझ लो, बस क्वेश्चन में चित और चित आ गया। ठीक है भाई, देखो चित और चित आ गया, बस हम इसको लिखेंगे, चित और चित आ गया, चित और पट भी आ गया। ओके सर, चित और पट भी आ गया, फिर पट भी आ गया, तो ये देखो पट और चित आ गया। आपसे पूछे है कि पट और पट कितनी बार आएगा, वही सेम चीज़ें हैं, यानी इनके सिवा कुछ और तो आ ही नहीं सकता। तो इन तीनों को आप जोड़कर टोटल जितनी बार उछाले हो उनसे घटा दो तो पट की संख्या पता चल जाएगी। यानी अगर हम इसकी संख्या निकालेंगे तो 40 माइनस कर देंगे इन सबको जोड़कर। कौन सबको जोड़कर? 9, 8 और 12 को, यानी 9 प्लस में 8 प्लस में 12। तो ये अल्टीमेटली हो कितना जाएगा, 40 माइनस 12, 8, 20, 20 और 9, 29। 40 में से 29 घटाएंगे तो 29 से 30, 10, 40, यानी 11 बार क्या आएगा, तो 11 बार आपका आ जाएगा पट और पट। इसको रिलेट करो बस, जब मैच खेलते हैं हम लोग या कोई भी गेम्स खेलते हैं तो टास होता है ना, उस टास में क्या आ सकता, चित और चित आ सकता है। अगर दो लोग सिक्वेंस में सिक्के उछाल रहे हैं तो हो सकता है दोनों में चित आए, एक में चित एक में पट आ सकता है,
और एक में पट एक में चित आ सकता है, तो पट और पट यही तो बचा। तो इन तीनों की आपको संख्या दी गई थी, तो इन दोनों को जोड़कर हमने टोटल से घटा दिया तो पता चल गया पट पट कितनी बार आएगा, 29 बार घटा दिया तो 11 बार आ गया। ठीक बात ना, चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पहुंचते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा मेरे भाई? वो 3 होगा, उसको भी समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ तक बात क्लियर? ओके मेरे भाई, नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये क्वेश्चन जो है आ सकता है पेपर में, तो नोट कर लेना इसको कहीं, अगर आपके पास बुक नहीं है ये वाली तो आप इनको नोट कर लेना, छोटी सी कॉपी में इनको नोट कर लेना और पेपर के पहले आपको रिवाइज करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्यूब रूट ऑफ किसका मान बताना है? 0.008 का मान बताओ, इसका मान पूछे हैं, इसकी वैल्यू बताना है, क्या हो जाएगा इसका मान। अब आप देखो क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट कैसे निकालेंगे भाई? हमें ये पता है कि हम प्रत्येक संख्या के नीचे बट्टे एक मान सकते हैं। आप कहोगे जी सर बिल्कुल मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं? 1, 2 और 3, तो 3 0 हम यहाँ से चिपका लेंगे। यानी हम इसको कह क्या सकते हैं भाई, क्यूब रूट ऑफ ऊपर कितना बचा? 8 बचा, और नीचे कितना हो गया? 1000 हो गया। कहोगे बिल्कुल, तो अब ये क्या हो जाएगा, मैं 8 को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? 2 × 2 × 2 भाई, 2 × 4 × 8 बट्टे 1000 को मैं क्या कह सकता हूँ? 10 × 10 × 10। अब आपको पता है क्यूब रूट लगा मतलब तीन तीन के हमको पेयर बनाने, तो दोनों पेयर बन गए, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, 1 10 बाहर आ जाएगा। 2 को 10 से भाग करोगे तो 0.2 उस क्वेश्चन का राइट आंसर। 0.2 कह लो या 0.2 कह लो, दोनों एकदम सेम है। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें, चाहे 0.2 कहो चाहे 0.2 कहो, बात एकदम सेम ही है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, उस प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई ना? बोलो भाई, यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? आइए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और उसको समझेंगे। ओके मेरे भाई, चलिए गुड, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जरा उसकी बातें समझिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बराबर 90 डिग्री, एंगल ए बराबर 90 डिग्री, तो निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए साइन सी। अच्छा, ये क्वेश्चन है निम्न में प्रत्येक के लिए क्या बताना है? साइन बी कॉस सी, और क्या है आपसे पूछा है? टेन बी का मान बताओ, इसका मान बताना। दो कंडीशन आपको दी गई हैं, दो कंडीशन मैं लिखे दे रहा हूँ। कंडीशन नंबर 1 दिया गया है कि बी सी आपको दिया गया है रूट के 2, बी सी है रूट के 2, ए बी बराबर ए सी बराबर 1, ए बी बराबर ए सी बराबर 1। दिस इज़ योर फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज़ योर सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन है कि ए बी बराबर दिया गया है 5 और दिया गया ए सी बराबर 12, ए सी बराबर 12, फिर है आपका बी सी बराबर 13, बी सी बराबर 13। इन दोनों कंडीशनों से आपको ये बताना, सबसे पहले आपको साइन बी का मान बताना है, देन उसके बाद आपको कॉस सी का मान बताना है, देन उसके बाद आपको टेन बी का मान बताना है। मेरे भाई आपको याद रखना है कि ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको वैल्यू रख कर ट्रायंगल बनाना है। कैसे बनाएंगे भाई? हम सपोज दैट यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल बनाते वक्त हम बहुत विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्योंकि ट्रायंगल में कह क्या रहा है क्वेश्चन में कि एंगल ए कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। तो ये जो 90 डिग्री, हम कौन सा एंगल लेंगे? एंगल ए को लेंगे। अब इसको मैंने 90 फिक्स कर दिया है, तो चाहे बी इसको मान लो चाहे बी इसको मान लो, तो मैंने कहा भैया बी ये रहा होगा और सी ये रहा होगा। अब हम फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करते हैं, पहले कंडीशन।
पहली कंडीशन दिया गया है कि बीसी रूट दो है, तो बीसी रूट क्या हो गया, दो हो गया। उसके बाद कहा गया ए बी और ए सी एक एक है, ए बी एक है और ए सी एक है। हम पहले फिर से बता रहे हैं, ये फर्स्ट कंडीशन में अभी लगा रहा हूँ, अभी सेकंड कंडीशन मैंने नहीं लगाया। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हमें सबसे पहले ज्ञात करना है साइन बी का मान। तो हम लिखते हैं साइन बी इज इक्वल टू साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब मैंने बता रखा इस बार एंगल बी लेना है, कौन सा एंगल बी, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा साइन बी, अगर बी लोगे तो इसके सामने लंब क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो ये लंब हो गया आपका एक, यानी हम लिखेंगे एक, और कर्ण तो फिक्स ही होता है, तो 1/√2 साइन बी का मान हो गया। फिर पूछे आपसे कॉस सी का मान, तो हम कॉस सी का मान बताएंगे, ये हो गया हमारा कॉस सी। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो हम लिखेंगे आधार बटे कर्ण। इस बार एंगल सी हमें लेना है, यानी इस एंगल को हमें लेना है, इस एंगल के हिसाब से ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो ये होगा 1/, ये हो जाएगा रूट के 2, कॉस सी का मान आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको बताना है टैन बी का मान, थर्ड केस में आपको क्या बताना है, टैन बी का मान, टैन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार, यानी ये होता है लंब बटे आधार। एंगल क्या लेंगे मेरे भाई, बी लेंगे, बी के सामने आधार एक है और ये बी के सामने लंब एक है, आधार एक है, तो 1/1, या हम इसको 1 भी कह सकते हैं। तो ये किसके किसके मान आ गए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, ये पहली कंडीशन की बात हो रही थी यहाँ पर, पहली कंडीशन। ओके आओ दोस्त सेकंड कंडीशन देखते हैं, सेकंड कंडीशन क्वेश्चन में क्या गिवेन है, फिर से अपना एक हम ट्रंगल बनाएंगे, एक हमने क्या बना दिया, ट्रंगल बना दिया, ये हमारा एक बढ़िया वाला ट्रंगल बन गया। इसमें एंगल ए हमको 90° फिक्स करना है, तो हमने कहा भाई आप ये एंगल ए 90° हो गए, इसके बाद ये बी मान लीजिए और ये सी मान लीजिए। अब आपको दिया ए बी 5 है, ये साइड आपकी 5 है, उसके बाद ए सी 12 है, ये 12 है, और बी सी कितना है, 13 है, ये 13 हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन के सेकंड कंडीशन के हिसाब से पहला प्रश्न क्या बताना है, साइन बी का मान। लो भाई साइन बी, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, एंगल बी को लोगे तो लंब क्या हो जाएगा, 12, कर्ण हो जाएगा 13, तो पहला उत्तर आ गया 12/13। ओके दूसरा प्रश्न है आपसे, क्या पूछ रहा है, कॉस सी का मान। कॉस सी बेहद इंपॉर्टेंट चीज है, एंगल एंगल जरूर याद रखना, एंगल सी है, तो एंगल सी के सामने ये लंब होगी, ये आधार, और कॉस थीटा होता क्या है, आधार बटे कर्ण होता, इसके सामने ये लंब हो गई, तो आधार कितना हो गया 12, और कर्ण कितना हो गया 13, 12/13 आ गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, टैन, टैन में क्या है आपसे, टैन बी का मान पूछे है, तो टैन थीटा बराबर क्या होता, लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार, और एंगल कौन सा लेना मेरे भाई, बी लेना, बी के हिसाब से लंब 12, आधार लंब 12, आधार 5, तो ये आ जाएगा 12/5 विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ये आपके प्रश्न का सही जवाब है, नोट कर सकते हो, बेहद ही आसान क्वेश्चन था, इसमें आपको कोई साइड नहीं निकालनी थी, कोई जादू नहीं करना था, सब कुछ गिवन था, दो कंडीशन थी, दोनों कंडीशन में आपको इस क्वेश्चन को लगाना था। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पहुंचेंगे अगले प्रश्न पर और उसको समझेंगे, इसको आप फटाफट तरीके से नोट कर सकते हो, ठीक है ना, क्लियर बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5 क्या है उसको जरा समझेंगे भाई। वीडियो को अपने दोस्तों के संग जरूर शेयर कीजिए, जितने भी आपके दोस्त फोर्थ सेमेस्टर में हैं उन तक इस वीडियो को आप जरूर पहुंचाइए, क्योंकि आप समझ नहीं रहे हो मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि इस वीडियो को आपको शेयर करना है, किसी दिन आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर, क्वेश्चन है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 2/3, देन आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कॉस ए और टेन ए का मान, आपसे पूछा गया कॉस ए और टेन ए का मान, टेन ए का मान, इस क्वेश्चन को लगाओ,
क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब यहाँ आपको तीसरी साइड पता करनी पड़ेगी, कैसे? चलो आओ समझो। इधर साइन है आपको दिया गया है। अब आप सबसे पहले ये हमें बताओ कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्चुअल में होता क्या है, रेशियो क्या होता? आपको कहे सर अभी आपने बताया साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण और इसकी वैल्यू आपको दी गई है 2/3, यानी लंब है 2 और कर्ण कितना है 3 है। कोई एक एंगल बना लो, मैंने कोई एक ट्रंगल, राइट एंगल ट्रंगल कोई बना लो, हमने राइट एंगल ट्रंगल यहाँ से बना लिया जिसमें आपको बताया गया साइन ए का मान, मतलब ए तो 90 डिग्री नहीं हो सकता। अगर ए 90 डिग्री नहीं होगा तो हमने मान लिया बी 90 डिग्री होगा, तो ये ए हो गया और ये सी हो गया, ए बी सी हमने एक ट्रंगल बना लिया। अब कह रहा है कि एंगल ए लो, अगर एंगल हमने ए लिया तो इसके सामने ये भुजा लंब होगी, लंब कितना हो गया 2 और कर्ण कितना हो गया 3, तो क्या आप ये भुजा निकाल सकते हो? बिल्कुल, पैथागोरस प्रमेय से। पैथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 इधर जाएगा माइनस में और ये क्या बन गया ए बी का स्क्वायर, तो 9 में से 4 जाएगा 5 और स्क्वायर हटाओगे तो रूट, और रूट 5 की वैल्यू निकाल नहीं सकते हो, यानी ए बी कितना आ गया रूट 5, ये ए बी आ गया रूट 5। तीनों साइडें पता चल गई मेरे दोस्त। अब आप निकालो कॉस ए का मान पूछे है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी पूछे। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब आप देखो ए के हिसाब से आधार क्या होगा, एंगल ए के हिसाब से आधार 5 हो जाएगा और कर्ण 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट 5/3, रूट 5/3 पहला आंसर। दूसरा आंसर आपसे क्या पूछे है, टैन ए का मान, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, ए के हिसाब से लंब क्या होगा, एंगल ए के हिसाब से लंब 2 और आधार रूट 5, तो ये आ जाएगा 2/√5 विल बी द करेक्ट आंसर, 2/√5। नोट कर सकते हो, ये आपके क्वेश्चन का जवाब है, ठीक है ना, यही आपके क्वेश्चन का जवाब है, रूट फाइव बाई थ्री और 2/√5 ये क्वेश्चन का क्या है सही जवाब हो जाएगा। क्या बात समझ में आई, क्या बात आपके समझ में आ गई, क्वेश्चन नंबर 5 की भावनाएं समझ गए हो, कोई परेशानी नहीं है। और नेक्स्ट देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है भी त्रिकोणमिति से। त्रिकोणमिति से आपकी सीरीज में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो सारे मैं सॉल्व करा दूंगा, टेंशन वाली बात कोई भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है वो जरा समझिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि कॉसेक ए बराबर आपको दिया गया है रूट के 10 हो, तो आपसे पूछे है शेष अनुपात बताओ। शेष अनुपात का मतलब क्या होता है कि आपको पता है शेष अनुपात हम कैसे बताएंगे, तो त्रिकोणमिति में 6 रेशियो होते हैं। देखो जो एक्चुअल होते हैं वो 3 होते हैं और 3 इनके रेसिप्रोकल होते हैं, साइन कॉस 10, ये एक्चुअल 3 होते हैं, 3 इनके रेसिप्रोकल बना के 3 3 6 कंसीडर करते हैं हम। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है, तो साइन कॉसेक कॉस सेक कॉट 10, 6 रेशियो आपके होते हैं। एक का मान देकर बाकी शेष 5 आपसे निकलवाने की कोशिश कर रहा है। देखो कैसे निकालेंगे, कॉसेक ए बराबर रूट के 10 है, मैं इसके नीचे बटे एक अपने आप से लिख सकता हूँ? आपको कि जी बिल्कुल लिख सकते हो। हमने कहा ठीक भैया, इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। तो आप कहोगे कि ये जो कॉसेक ए है ये किसके बराबर होता है? भाई कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, अरे बोलो साइन का अपोजिट, और साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लाल बटे कक्का, इसका अपोजिट करोगे तो कॉसेक आएगा, यानी कर्ण बटे लंब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप कहोगे जी बिल्कुल, और ये कर्ण कितनी दी गई है रूट के 10/√1, यानी कर्ण है रूट 10 लंब है 1, तो हम तीसरी साइड निकालेंगे कैसे, एक अपना राइट एंगल ट्रेंगल बना लेते हैं जिसमें हमको ए 90 डिग्री नहीं रखना है, मतलब हमने ए को यहाँ इस बार रख लिया, सी को यहाँ, या ए को आप यहाँ भी रख सकते हो, सी को यहाँ भी रख सकते हो, डजंट मैटर। मैं थोड़ा सा इसको बिल्कुल एक्यूरेट बना दूँ, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, अब सही है, ठीक है, ये समझ लेना, ये
राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये 90 डिग्री है, तो आपको ए सी बी हो गया, आपको ए के हिसाब से चलना है, एंगल ए के हिसाब से, ए के हिसाब से भाई कर्ण तो हमारी यही रहेगी रूट टेन, और लंब क्या हो जाएगा वन, जो भी थीटा लेते हैं उसके सामने लंब होता है। आधार कैसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर रूट टेन का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, तो रूट टेन का स्क्वायर टेन, एक का स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो ए बी स्क्वायर बचेगा ना, यानी 10 में से एक जाएगा तो 9, तो ए बी स्क्वायर 9, स्क्वायर हटाओगे तो रूट में, और रूट का मतलब 3, यानी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी ये साइड यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई 3 हो गई, तीनों साइडें पता हैं। अब फटाफट से रेशियो बता देते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे साइन थीटा, मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा मतलब पूरा सा मार्कर ना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन थीटा। अब साइन निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साइन कॉसेक अपोजिट होते हैं, अगर कॉसेक रूट टेन बाई वन है तो साइन क्या हो जाएगा, वन बाई रूट टेन हो जाएगा, साइन थीटा वन बाई रूट टेन। साइन के बाद अब हम निकालेंगे कॉस थीटा, सॉरी थीटा नहीं मतलब एंगल ए हमें निकालना है, तो कॉस ए कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, भाई एंगल ए लेना है, ए के हिसाब से आधार क्या होगा, ए के हिसाब से आधार होगा 3, कर्ण होगा रूट टेन, तो आंसर आएगा 3/√10। अब अगर आपने कॉस निकाल लिया तो इसका उल्टा कर दोगे तो सेक पता चल जाएगा, सेक ए इसका उल्टा कर दो रूट टेन बाई थ्री, ये सेक ए का आ गया। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ से टैन ए का निकालो मान, टैन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, एंगल ए के हिसाब से लंब क्या होगा एक, आधार क्या होगा 3, तो ये आ जाएगा 1/3। टैन पता है तो कॉट पता कर लोगे, कॉट ए कितना आएगा इसका जस्ट अपोजिट 3/1, या हम इसको 3 भी कह सकते हैं, आंसर आपके सामने है, नोट कर सकते हो, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या बात आपकी समझ में आई है कि नहीं आई है, क्या बात आपकी समझ में आई है, क्लियर। चलें आगे पहुंचते हैं, अगले प्रश्न को समझते हैं और उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक बिल्कुल ओके हैं चीजें, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको जरा समझते हैं भली भांति तरीके से और उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि टैन ए बराबर, ये क्वेश्चन बढ़िया है थोड़ा सा समझने वाला है ना, यदि टैन ए बराबर है 2 तो कहा क्या गया है, कहा गया है मान बताना है किसका, सेक ए, सेक ए इंटू के साइन ए, सेक ए इंटू के साइन ए, और प्लस में है टैन स्क्वायर ए, टैन स्क्वायर ए, माइनस में है कॉसेक ए, माइनस में क्या है कॉसेक ए का मान बताओ, ये क्वेश्चन कह रहा है इसका मान क्या होगा, इसका मान आपको बताना है, बस जल्दी से आप इसका मान बता दीजिए, आंसर क्या होगा फटाफट तरीके से आप इसका मान बताने की कोशिश कीजिए, है ना, फटाफट तरीके से आप इसका मान बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ ठीक है ना भाई चले चलिए अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। अब आपको देखो यहाँ पर खुद मेजर करो, खुद समझो एक चीज, सेक है, साइन है, टैन है, कॉसेक है, मतलब हमें तीनों साइडें पता होनी चाहिए, तो तीनों साइडें पता होने के लिए हम एक ट्रायंगल बनाएंगे बेसिकली, तो ये जो है इसके नीचे मैं बटे एक मान सकता हूँ, आप कहोगे जी बिल्कुल मान सकते हैं, तो हमें जो दिया गया है टैन ए बराबर होता क्या है लंब बटे आधार, लंब कितना दिया गया है 2/1, यानी लंब है 2/1, तो आप यहाँ से निकालोगे कर्ण, भाई कर्ण कैसे निकालोगे, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, मान लिया ये राइट एंगल ट्रायंगल बी है, ये एंगल ए है, ये एंगल क्या है सी है, तो इसके हिसाब से आपने ये 90 डिग्री फिक्स कर दिया, तो ए के हिसाब से आप देखोगे एंगल ए के हिसाब से लंब कितना हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 2 × 4 = 5 √5,
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 5, 5 का रूट कर दोगे √5, √5 की वैल्यू निकाल नहीं सकते हो, सारा कुछ पता है। अब इसका और सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो सेक थीटा, भाई सेक थीटा क्या होता है, सेक कॉस का अपोजिट होता, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता, तो सेक थीटा क्या कर्ण बटे आधार होगा? आप कहोगे जी बिल्कुल होगा। इनटू साइन थीटा, साइन थीटा लंब बटे आधार होता, लंब बटे कर्ण होता है, सॉरी हाँ यहाँ सही है, ये लंब बटे कर्ण हो जाएगा। प्लस में टैन स्क्वायर ए, टैन थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का लंब बटे आधार, ये भी बिल्कुल सही है। फिर इनटू माइनस है, माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक साइन का अपोजिट, साइन होता लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है, वैल्यू रखो, केवल केवल यहाँ पर वैल्यू रखो भाई, कर्ण तो फिक्स ही है तो कर्ण हो जाएगा √5। सब में एंगल ए है तो एंगल देखना ही नहीं है, एंगल ए के हिसाब से ये लंब है, आधार कितना है 1, तो √5/1 इंटू लंब कितना हो जाएगा 2, ये हो गया 2 बटे कर्ण हो जाएगा √5, कर्ण कितना है √5, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में यहाँ देखो लंब, लंब कितना हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा 2 और आधार कितना हो जाएगा 1। माइनस में कर्ण कितना है, कर्ण है √5 और बटे लंब कितना है 2, ये लंब हो गया 2, कोई दिक्कत नहीं। सब में एंगल ए था तो हमने सब में एंगल ए ले लिया, लिख लिया ना। लेकिन यहाँ पर देखो टेन स्क्वायर पर क्या लगा था, स्क्वायर, मतलब हम यहाँ पर भी स्क्वायर सेट करेंगे और यहाँ पर भी स्क्वायर सेट करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, √5 से √5 खत्म, तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा, प्लस में 2 का स्क्वायर 4, नीचे 1 का स्क्वायर कितनी भी टाइम्स कर दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये √5/2 हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हो 2 दूनी 2 चौक को 8 और 8 2 दूनी 4 12, 12 -√5/2 आ जाएगा। कैसे, देखो ये √1/1 हर बराबर करोगे, 2 से नीचे इंटू 2 से ऊपर इंटू, 2 से नीचे इंटू कर दोगे 2 से ऊपर इंटू, तो ये आएगा 2 दुनी 4 और प्लस में 4 दुनी 8, माइनस में √5 और 2 2 1 कम 2, यानी सारे हर बराबर हैं तो ये एक हमने हर ले लिया। जब इसको सॉल्व करेंगे 8 4 12, 12 माइनस में √5 और बट्टे में 2, ये क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ये क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, नोट कर सकते हो, 12 -√5/2 विल बी द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, नोट कर सकते हो, आ सकता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको चीज़ें समझना है। ठीक है भाई, बात को समझे कि नहीं समझे, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके मेरे भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से है लेकिन वो वैल्यू वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा बैकग्राउंड की वॉइस आ रही होगी, है ना, तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, उसको ना इग्नोर कर देना है, बाकी आपको फोकस करना है केवल पढ़ाई के ऊपर। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, और उसको देखो, ये क्वेश्चन आपसे इस प्रकार कह रहा है कि कॉस, ये प्रूव करना है ना, ये सिद्ध करना है आपको, ये सिद्ध करो, क्या सिद्ध करना है कि जो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू है वो बराबर होती है 1 -2 sin² 1 -2 sin² 30 डिग्री के, और ये भी बराबर होता किसके, 2 cos² 30 डिग्री और माइनस में 1 के। ये आपको प्रूव करना है, किसी एक की वैल्यू आपको दे निकाल लेना है और सारे इक्वल दिखा देना है। जो कॉस 60 अंश का मान होगा वही मान 1 -2 sin² 30 अंश का होगा, वही मान आपका 2 cos² 30 - 1 का मान होगा, ये आपको निकालना ही निकालना है। तो आपको इतना तो पता ही है कि हमें अच्छे से पता है कि जो कॉस 60 डिग्री का मान होता है वो क्या होता, 1/2 होता है भाई, जो साइन 30 का मान होगा वो कॉस 60 अंश का मान होगा, ये हमको पता है, ये आप लोगों को भी पता होगा, मैंने पढ़ा रखा है,
तो अब हम देखेंगे कि इन दोनों को हमें बराबर दिखाना है। सर्वप्रथम हम किसको दिखाएंगे, तो वन माइनस के टू साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान। चलो वन माइनस के टू इंटू साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर। अब इसको देखो, वन माइनस के टू इंटू वन का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 से काटेंगे 2 बार में, तो 1 माइनस के 1/2, अगर 1 से आधा घटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये दूसरा केस का मान आया, ये इसका मान आ गया 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, यहाँ तक तो बात सही थी। थर्ड क्या आपका है, थर्ड वन वो है 2 cos square 30 डिग्री माइनस के 1। अब यहाँ देखो 2 इंटू कॉस 30 अंश का मान √3/2 होता, इसका आपने कर दिया स्क्वायर माइनस कर दिया 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3 और 4 का 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 1 हो गया। 2 से काट देंगे 2 बार में, 3/2 माइनस के 1, 3/2 माइनस के 1, 2 × 1 = 2, 3 में से 2 जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2। तो कहने का मतलब, चाहे आप जिसका भी मान निकालो, चाहे आप cos 60 अंश का मान निकाला 1/2, आपने 1 - 2 sin स्क्वायर 30 अंश का मान निकाला 1/2, आपने 2 cos² 30 डिग्री माइनस 1 का मान निकालना 1/2, सब कुछ क्या है, बराबर है। और आपको पता है जब LHS RHS के बराबर आ जाता, प्रूव हो गया। अब नीचे एक लाइन मेंशन कर दोगे, अतः यह सिद्ध हो गया है, बस पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक बात ना, क्लियर बात। ये क्वेश्चन बिल्कुल बेहद आसान था, वैल्यू वाला क्वेश्चन था, नोट कर सकते हो। नेक्स्ट पहुंचेंगे अगले प्रश्न पर, ठीक है भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। यहां तक बात ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, वो भी आपका क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, और लगभग त्रिकोणमिति में अब जितने क्वेश्चन दिए गए थे आपकी सीरीज में, वो इस क्वेश्चन से लास्ट खत्म हो जाएगा। फिर आगे के क्वेश्चन देखते हैं, आगे कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का, ये दिया गया है tan स्क्वायर, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपको सॉल्व कराया है ना, tan² πr/6 प्लस में है tan² πr/4 प्लस में है आपका tan² πr/3। इसका मान बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू बताना है आपको, क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, ये आप बता दीजिए इसका मान क्या हो जाएगा जल्दी से। उससे पहले मैं 2 मिनट आपसे बात कर लूँ, ठीक है ना। देखो, जितनी भी क्लासें आपको दी जा रही हैं, ये क्लासें बेहद इंपॉर्टेंट क्लासें हैं मेरे भाई। आपको पता है कि DLED में लगभग क्वेश्चन तो आपकी बुक से ही आएंगे, और अगर बुक से अलग भी कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, तो कंसेप्ट वही रहेगा। कल को tan के स्थान पर साइन दे सकता है, बाकी चीज़ें यही रह सकती है। 6 के स्थान पर 3 लिख देगा, 3 के स्थान पर 6, 4 के स्थान पर 5, कुछ भी लिख सकता, लेकिन चीज़ें आपको वैसे ही सॉल्व करनी है। तो इस बात को आप विशेष रूप से याद रखोगे कि ये क्लास अगर आपने सारी अटेंड कर ली, देखिए फोर्थ सेमेस्टर की तकरीबन हमने कितनी क्लास बनाई है, तो ये मानकर चलिए 40+ क्लासें होंगी, 40 से अधिक क्लासें होंगी केवल फोर्थ सेमेस्टर की। और ये सारी क्लासें अगर आपने देख लिया, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ना कि जो 25 में 25 का सपना है आपका, वो 100% कंप्लीट होगा, उसमें एक पॉइंट का भी फर्क नहीं आएगा। बस ये याद रखना है आपको कि प्रैक्टिस करनी है, आपको जो क्वेश्चन ना लगे उसको 1 से 2 से 3 जितनी बार हो सके उतनी बार आप प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एक ही तो सब्जेक्ट का पेपर देना है। कुछ लोगों को हो सकता है 2 या 3 को देना हो, लेकिन जिनको 1 का देना है उनके पास गोल्डन चांस है भाई साहब, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। बाकी आपकी इच्छा, आप करोगे तब ठीक है, नहीं करोगे तब ठीक है, वो आप हमसे बेटर जानते हो। स्वयं के बारे में आदमी अपने से अच्छा कोई नहीं जान सकता कि हमारे लिए क्या अच्छा क्या बुरा है, आप खुद ही जान सकते हो ना, कुछ भी आपको बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है भाई, देखो पाई, ये जो पाई है ना, इस पाई को फिक्स करेंगे 180 डिग्री के एक्चुअल,
इसका एक्चुअल मान कितना होता है 180 डिग्री। रख दो यहाँ 180 डिग्री, हम रखेंगे टेन स्क्वायर 180 डिग्री बाई 6 प्लस में टेन स्क्वायर 180 डिग्री बाई 4 प्लस में टेन स्क्वायर 180 डिग्री बाई 3 यही तो रखेंगे। काट दो यहाँ पर 6 से काटोगे 6 तियाँ 18, 4 से काटोगे 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 3 से काटोगे 3 छंग 18, तो ये आ जाएगा आपका टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है सर, प्लस में आ गया टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ओके सर, प्लस में आ गया टेन स्क्वायर 60 डिग्री। अब मैंने टेन की वैल्यू आपसे कैसे बताया था याद करने के लिए, मान लिया आपको टेन किसकी 30 डिग्री की वैल्यू निकालना है, तो टेन 30 डिग्री क्या होगा, साइन 30 डिग्री और डिवाइडेड बाय कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, कॉस होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल तो 1/√3 आ जाएगी, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3। वैसे याद रखना है आपको, नहीं याद है तब का मैंने वो तरीका बताया है। कॉस 45 अंश का मान 1 होता है, टेन 60 अंश का मान √3 होता है, √3 हो गया। सबका वर्ग करोगे, 1 का वर्ग 1 √3 का 3 प्लस में 1 का वर्ग 1 √3 का वर्ग 3। भाई देखो यहाँ पर आप हर बराबर करोगे 3 से नीचे इंटू 3 से ऊपर, 3 से नीचे तो 3 से ऊपर भी हो जाएगा, यानी नीचे तो 3 हो जाएगा ऊपर ये 1 प्लस में 3 का 1 से कराओगे मल्टीप्लाई 3, 3 का 3 से कराओगे 9 बार में, 9 3 12 एक 13, 13/3, 13/3 को आप एक तरीके से और भी लिख सकते हो, 3 चौक 12 एक 13/3, 4 होल 1/3 अगर आपका आ रहा है तो भी करेक्ट है, या 13/3 आपने लिख दिया तो भी करेक्ट है। अब कुछ लोग हमसे पूछते हैं सर क्या इतना मैंने लिख दिया तो क्या उत्तर मिल नंबर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, आपने सारा कुछ तो सॉल्व किया, उसमें कहीं ये तो मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में ना कि उसको आपको फ्रैक्शन में बनाना, मिश्र भिन्न में बताना, नहीं ना, आप इसको दशमलव में भी बता सकते हो, वो काटेंगे नहीं आपका आंसर, बस आपको बशर्ते इतना याद रखना है कि इसमें बताओ तो ठीक है इस, अब ये दोनों मत लिख देना कि मैंने ये लिखा फिर मैंने ये भी लिखा आप ये भी लिख दो, नहीं, आप इसको फिर ऑब्लिक लगा के लिख सकते हो कि 13/3 कह सकते हैं, या इसको हम 4 सही 1/3, या हम इसको 4.3333 ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने टोटल जो 10 से 11 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, आपको बताना है क्लास कैसी लगी है, उम्मीद करते हैं सबको अच्छी ही लगी होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके आगे की सीरीज को हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे और पूरी 3 से 4 दिनों में आपको सीरीज में सॉल्व करा दूंगा। फिर भी बाय द वे अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए ज्वाइन कीजिए, वो ग्रुप नहीं है, वो चैनल नहीं है, ग्रुप ही है, पब्लिक ग्रुप है, सारे लोग मैसेज कर सकते हो, लेकिन बस मैसेज वही करना है जो डाउट है, आपका कोई डाउटफुल क्वेश्चन है वहाँ पर भेजिए, हाथों हाथ आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।